नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पांडे, फैकल्टी ऑफ संस्कृत, समीक्षा इंस्टीट्यूट ग्वालियर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा वाच्य कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, लेकिन पुनर्भ्यास की दृष्टि से आज मैंने एक वाच्य टॉपिक लिया है। तो वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाच्य कथन, कोई भी कहना है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वॉइस, वही कथन। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, आप शब्द से ही इसकी व्याख्या समझ सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं। कर्तृवाच्य, कर्तृ मतलब कर्ता, कर्ता जिसका कर्ता प्रधान हो। किसी भी वाक्य में जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य लिखने में कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीज होते हैं, तो तीन होते हैं। तो कर्ता, तो जिसका कर्ता प्रधान हो कर्तृवाच्य, जिसका कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य, जिसके भाव प्रधान हो, तो भाव प्रधान तो होंगे नहीं यहाँ पर, जिसकी क्रिया प्रधान हो, जिसकी क्रिया प्रधान हो वही भाववाच्य होंगे। तो कर्तवाच्य, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य जैसे हमने यहाँ पे लिया, आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में विभक्तियों का अध्ययन किया है। विभक्तियां, जैसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को ये वाच्य पूर्ण करूंगा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, प्रथमा, द्वितीय। इसकी परिभाषा आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जिसका कर्ता प्रथमा विभक्ति का हो और जिसका कर्म तृतीय द्वितीय विभक्ति का हो, द्वितीय विभक्ति का हो वह कर्तृवाच्य। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, प्रथमा, जिसका जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का हो और जिसका कर्म प्रथमा विभक्ति का हो वह आपका कर्मवाच्य। ये परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, प्रथमा। ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि जिसका कर्ता प्रथमा विभक्ति का है, जिसका कर्म द्वितीय विभक्ति का है वह कर्तृवाच्य, जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का है और जिसका कर्म प्रथमा विभक्ति का है कर्मवाच्य। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये आ रही है सामने कि इसमें प्रधान, इसमें क्या प्रधान है? प्रथमा, और इसमें प्रधान है प्रथमा। जो प्रधान है वही वाच्य हुआ। इसमें कौन है प्रधान? प्रथमा विभक्ति। इसमें कौन है प्रधान? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति जब ये प्रधान है और प्रथमा विभक्ति ये प्रधान है, तो यहीं से आपका क्लियर हो रहा है कि ये कर्तृवाच्य और ये कर्मवाच्य है, ठीक है। इसकी क्रिया, अब क्रिया की बात आती है, कर्ता और कर्म, कर्ता और कर्म, इसकी कर्ता और कर्म प्लस क्रिया, इसकी क्रिया, जिसकी क्रिया है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति से यह क्रिया हो रही है। तो जैसे कि वाक्य के माध्यम से मैं आपको समझा सकता हूं कि रामः पठति, रामः पठति, रामः पठति, रामः क्या है? कर्ता। पठति क्या है? क्रिया, रामा पठन। तो रामा कौन सी विभक्ति हुई? रामा प्रथमा विभक्ति हुई, रामा प्रथमा विभक्ति हुई। तो यहाँ पर अगर परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाता है, निम्नांकित पदानि विमकस्य वाच्य सन्ति, वाच्य अस्ति, तो रामा पठति, राम पठति कौन सा वाक्य हुआ, किस वाच्य का हुआ? यहाँ पर कह सकते हैं आसानी से कि कर्तृवाच्य, यह कर्तृवाच्य का हुआ। क्यों हुआ? अब प्रश्न आता है आपका कि यह राम पठति क्यों हुआ? क्योंकि आप यहां से पहचान सकते हैं कि जिसका कर्ता प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति आपने कैसे मालूम किया? राम के रूप आपने याद किया, रामः रामौ रामः रामं रामौ रामं।
एक वचन है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो हमारा राम, और पठती पठती ये हमारी परस्मै पदवी हो गया। ये भी आप ऐसा सकते हैं जिसका जिसकी क्रिया परस्मै पद में हो, जिसकी क्रिया परस्मै पद में वह कर्तृवाची, जिसकी क्रिया परस्मै पद में हो वह कर्तृवाची, और जिसकी क्रिया आत्मनेपद में हो वह कर्मवाची। तो आप यहां पर आसानी से पहचान सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक में जिसकी क्रिया, यहां आपने की परिभाषा शॉर्ट ट्रिक में लिख सकते हो प्रथमा द्वितीय तृतीय, प्रथमा द्वितीय तृतीय, प्रथमा और तृतीय प्लस इसके साथ क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा द्वितीय तृतीय प्रथमा, ये आसानी से आप पहचान सकते हैं यहां पर कर्त्री कर्म और यह हाँ, इन परिभाषा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आसानी से आप पहचान सकते हो प्रथमा इसका कर्म था प्रथमा द्वितीय, प्रथमा द्वितीय प्रथमा और द्वितीय। जैसे हमने कहा बालक खाना खाता है, बालक खाना खाता है, क्या बनाया हमने बालक भोजनम खादति, बालक भोजन। अब आपसे पूछा गया है ये कौन सा वाच्य है, तो आप यहां आसानी से बता सकते हो कि यह कर्तृवाच्य है। अब आपसे पूछा गया है कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तो कर्मवाच्य में आपको बता दिया गया जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का हो, यहां पर आपको फोकस करना है जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का हो। तो अभी हमारी विभक्ति कौन सी है प्रथमा विभक्ति, तो यहाँ इसको तृतीय कर दो, तो बालक के रूप में बालका बालको बालका बालको बालको बालकान बालकेन, तो बालकेन को इसका हमने कर दिया बालकी, बालकेन बालकेन भोजनम अखादति, जिसकी क्रिया आत्मनिर्भर में तो भोजनम खादति, तो खा देते खा देते हो, क्योंकि आत्मनिर्भर में इसकी क्रिया करती तो यह खा देते बन गया, तो बालकेन भोजनम खा देते। ये है जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से और लेता हूं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब राम पुस्तक पढ़ता है इसको मैंने बनाया संस्कृत में रामः पुस्तकम् पठति, रामः पुस्तकम् पठति। अब आपसे पूछा गया कौन सा वाच्य है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि इसका कर्ता प्रथमा विभक्ति, इसका कर्म द्वितीय विभक्ति का, इसकी क्रिया परस्मै पद, ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति और ये परस्मै परस्मै, यह परस्मै पद, ठीक है। आपसे कहा गया कि इसको परिवर्तित करिए, इसको परिवर्तित कीजिए इसी वाक्य को, आपको परिवर्तित करना है इसमें कर्मवाची,
कैसे? रामेण पुस्तकम पठ्यते। रामेण पुस्तकम पठ्यते, राम से पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो पठ्यते। तो इसकी क्रिया आत्मनेपद में हो गई, और जिसका कर्म तृतीय विभक्ति का प्रथम विभक्ति का हो गया, और जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का हो गया, तो यह हमारा कर्मवाची हुआ। अब आती है भाववाची बात, सीधे इसमें कर्म हटा, जिसमें कर्म नहीं है वह भाववाची, क्योंकि तृतीय विभक्ति तृतीय, जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति है और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, वह भाववाची। रामेण पठ्यते, ये आपकी भाववाची, क्योंकि आपको परिवर्तित करने के लिए कह दिया जाए कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित करो, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आपसे कहा जाए कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित करो, तो उस वाक्य में कर्म है, कर्म से भाव में परिवर्तित नहीं हो सकता है, इसलिए ये भाववाच्य। जैसे हमने कहा सिंह गर्जति, एक वाक्य दिया मैंने सिंह गर्जति, आपसे कहा गया सिंह गर्जति कौन सा वाच्य है, सिंह गर्जति आप कह सकते हो कि सिंह गर्जति यह कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य क्यों है, क्योंकि जिसका कर्ता प्रथमा विभक्ति का है और जिसकी क्रिया परस्मयी पद में है तो वह कर्तृवाच्य होता है। अब इसको कहा हमने, इसको परिवर्तित कीजिए भाववाच्य, तो सिंगा भाववाच्य परिवर्तित किया, तो भाववाच्य का हमारा क्या हुआ कि भाववाच्य परिवर्तित करने के लिए जिसका कर्ता तृतीय विभक्ति का हो और जिसकी क्रिया आत्मनेपद में हो, तो इसको आपने परिवर्तित सिंघा का हमने कर दिया सिंगेन, अब गर्जति तो गर्जयति, गर्जयति सिंहेन गर्जयति मीन्स बन गया सिंह से दहाड़ा जाता है, सिंह से दहाड़ा जाता है तो तृतीय विभक्ति सिंह की तृतीय हो गई और यह आत्मनेपद में हो गया और प्रथम पुरुष एक वचन में, ये इसका कोई भी वचन हो, यहाँ पर कर्ता भले आपका बहुवचन हो परंतु हमारी यहाँ पर क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही होती है, तो कर्तृवाच्य आपने समझा, कर्मवाच्य आपने समझा, भाववाच्य आपने समझा, तीनों में किसी प्रकार का आपको डाउट है, किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, इससे मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को ये वाच वाला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।